हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइटर। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि क्या मैं दिखाने वाला हूं। मैं आपको दिखाने वाला हूं टपारिया का टूल बॉक्स फॉर बाइक फॉर मीटियोर 350। अब ऐसा नहीं है कि ये बस मीडियो 350 के लिए काम आएगा। आपके पास कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, पल्सर है, हीरो की बाइक, कोई भी बाइक हो, आपको हर बाइक में ये टूल बॉक्स काम आ जाएगा और ये बहुत काम की चीज है। अब ये टूल बॉक्स उन लोगों के लिए है दोस्तों जो बाइक एंथुजियास्ट है, बाइक लवर्स है, जो अपने बाइक में खुद से काम करना पसंद करते हैं और बहुत सही टूल्स उन्हें नहीं मिल पाता। तो ये ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें सारी चीजें हैं और ये अगर आपने ले लिया तो आप बाइक में लगभग 90% सारे काम आप आसानी से इस टूल बॉक्स के यूज से कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टपारिया कंपनी का है। टपारिया एक अच्छी कंपनी है, टूल बनाती है और ये बाइक का टूल किट है। और इसके कंपीट में ये इसकी प्राइस लगभग 1800 है और सेल के टाइम अमेजोन पे थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसे आप देख लीजिएगा। और इसके कंपटीशन में एक और प्रोडक्ट है स्टैनले, आपने सुना होगा स्टैनले। अगर टूल बॉक्स आप सर्च कर रहे हो तो स्टैनले का टूल बॉक्स वो भी काफ़ी अच्छा है, यूएस की कंपनी है, लेकिन आप उसे मत लीजिएगा। क्यों? सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो कंपनी स्टैनले तो यूएस की है लेकिन उस जो बनती है वो टूल बॉक्स वहाँ ओरिजिन ऑफ कंट्री जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मेड इन चाइना है। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडियन कंपनी है, तो प्लीज इसे कंसिडर करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है और करके भी दिखाता हूँ और सारे टूल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टूल्स मिलते हैं, आप कितने यूज में ले सकते हैं। और अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है, आप खुद से काम करना पसंद करते हैं अपनी बाइक में, तो ये आपके लिए बेस्ट टूल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स कुछ मिलता है आपको, टूल बॉक्स पूरा एकदम पैक काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे टपारिया का ब्रांडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें MRP और एड्रेस सारे डिटेल है। पीछे की तरफ आप देखेंगे वैसे ये 46 सेट का है यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे पीछे लिखेंगे तो ये कितने आपके पास, कितने इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है आपको, उन सारे चीज़ों का डिटेल और किस तरह ये पैकिंग होगी उन सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा टूल आपको इसमें मिलता है। मैं जल्दी से ओपन करता हूँ। कुछ इस तरह आपको ओपन करना है, इसे ऊपर की तरफ करना है और ये आराम से ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये ऐसे देख रहे हैं और ये आपको इतना सारा टूल मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मिलता है जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। 46 सेट्स हैं टोटल और यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है कौन कौन सा क्या क्या है, कितने साइज का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि ये देखिए, स्पाइनर हैंडल आपको मिलता है, ठीक, रैचेट हैंडल मिलता है, फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन मिलता है, टी हैंडल मिलता है, उसके बाद 100 mm एक्सटेंशन बार मिलता है, 50 mm एक्सटेंशन बार मिलता है, यूनिवर्सल जॉइंट मिलता है, हेक्सा की मिलता है मतलब एलन की, और यहाँ पे ये स्पाइनर का मिलता है कितने mm का है, 14 mm, 13 mm, 12 mm, 10 mm, सारी साइजेस का मिलता है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के लिए एलन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एलन की के सेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्क्रू ड्राइवर के लिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारे, तो सबका नाम लिखा हुआ है जो जो चीज़ें हैं। तो अब इसे कैसे यूज करना है, कौन कौन से काम में आता है, ये आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब ये कौन कौन सा टूल किस किस काम आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे रैचेट हैंडल है, यहाँ पे आप कोई भी आप चाहे तो वो फिट कर सकते हैं, जस्ट इसे आपको प्रेस करना है और ये आप फिट करके, आप अगर इस साइड है तो एक साइड घूमेगा आप, बस इससे यही फायदा रहता है कि ये एक साइड घूमता है, ठीक, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये इसके साथ जॉइंटर आता है, जैसे ये फ्लेक्सिबल है, स्प्रिंग लगा हुआ है आपके, लीजिए मान लीजिए कोई आपका स्क्रू थोड़े से दूर पर है तो आप इस एक्सटेंशन के यूज़ से यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये लगा लीजिए, ये ऐसे यूज हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा घूमता रहता है और थोड़ा फ्लैक्स करके भी आप इसे काम में ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये जॉइंटर है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं इससे भी, यहाँ ये लगा लीजिए, फिर और एक्सटेंड करना है तो ये कर लीजिए, ऐसे ही आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये रैचेट हैंडल और ये आपको मिलता है एक टी हैंडल। अब इसका काम क्या है, ये भी सेम वही काम आता है, आप आराम से इसे लगा के उसके बाद कहीं आपको स्क्रू खोलना है तो इस तरह खोल सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है और अगर आपको मान लीजिए कुछ इस तरह आप कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्क्रू ड्राइवर और एलन की का सेट दिया हुआ है, तो अगर आप इससे करना चाहें एलन की बना के, अब ये छोटा वाला जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे जो विंड सील्ड है वहाँ पे ये एलन की छोटा वाला लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, अगर इसे मुझे निकालना है तो ये एलन की छोटा वाला यहाँ पे लगता है, ठीक। तो वो जो एलन की मेरे पास है वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, जो 6 mm का इसके साथ टूल बॉक्स मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा चाहिए, तो
हम ट्राई करते हैं। ये अलग अलग साइज के हैं, ये ट्राई होगा या फिर ये लगेगा, ये लग जाएगा। तो मैं अगर इसे लगा के ट्राई करूँगा तो मैं आराम से इसे खोल सकता हूँ। ये देखिए ये खुलना स्टार्ट हो गया, तो इसे मैं निकाल के रख सकता हूँ। तो ये ऐसे ही बहुत सारे काम आता है ये। और अगर आप स्पैनर हैंडल से करना चाहें वो भी, यही एलिन की मुझे खोलना स्पैनर हैंडल से। और इसके एक साइड ये मैंने फिट किया, और अगर मैंने एक, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये टाइट कर रहा हूँ, और एक साइड फ्री जा रहा है ये देखिए। और इसे अगर इस तरफ कर दिया मैं, इसे इस साइड कर दिया, तो ये खोलने लगूँगा और एक साइड फ्री जाएगा, और मेरे पास जगह कम है तो भी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए थोड़ी दूर पे है, आप इसे एक्सटेंशन की यूज से, अगर स्क्रू थोड़ी दूर पे है तो आप इसे लगाइए। और अगर ये देखिए ये फिट हो गया, ये यूनिवर्सल जॉइंटर है, आपने इसे यहाँ पे लगा लिया, ये लग जाएगा। और मान लीजिए ऐसे स्क्रू कहीं ऊपर है, ऐसे ऊपर की साइड है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं और ये फुल काम करेगा। आपके बहुत सारे हो सकते हैं नट्स खोलने हो तो ये वहाँ पे काम आ जाएगा, अगर आप इसके यूज करना चाहते हैं। आप बाइक में नहीं, आप घर में भी बहुत सारी चीज़ों में इसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह ये यूज होता है। आप इस टूल बॉक्स को लेना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज इस चैनल पर आती रहती है, वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारी बाइक से रिलेटेड। और प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये टूल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जरूर कंसीडर करिए अगर आप खुद से बाइक में काम करना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।